हमारी लद्दाख ट्रिप की शुरुआत जो हुई लेह से, और यहाँ जाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। क्यों, चलिए जानते हैं। हमेशा मतलब कैमरा वाला जो बैग होता है हमारा अटक जाता है, इस बार थोड़ा स्मूथली निकला है। टेंटेडन, तो लो अपनी आ गई है कॉफी। सो फाइनली वी आर गोइंग टू ले। मैं अपनी गाड़ी ले करनी है। एक्साइटमेंट लेवल प्रो। बहुत सारी प्लानिंग करी थी मैंने, लेकिन इनका जो प्लान था अचानक से हो गया दम से, बिल्कुल दे डाला। और फ्लाइट की टिकट बुक करने के बाद मुझे बताया इन्होंने कि हाँ भैया हो गया सारा का सारा बुकिंग, सब के सब जो भी अरेंजमेंट करना था। और बर्थडे बहुत सरप्राइज मैंने अपने आप को दिया है। मैं प्लान नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिजी था। कितने घंटे लगेगा फिर बताइए? एक घंटे के बाद मिलता हूँ आपको। अंडे दो तो फाइनली पहुंच गए हम ले। गजब की ठंड हो रही है यहाँ पे, धूप लग रही है लेकिन धूप सेकने का मन कर रहा है अभी। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं मंजिल तय ठीक से पे। भैया ये रहा हमारा कमरा, अपना सामान सजाते हुए। और आज हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है। आज के दिन हम पूरा रेस्ट करेंगे तो कल हम निकलेंगे उसके बाद सबसे पहले ठीक से मॉन्स्टी के लिए, और सुबह आसपास यहाँ पे ठीक से वे घूमेंगे। 2 बजे अभी और 11 बजे हम सोए। इतनी मस्त नींद आई ना, क्या बताऊँ आपको। कभी कभार होता है ना जब आप लोग सोते हो और उठते हो उसकी पूरी की पूरी थकान अपनी मिट जाती है, ये वो वाली नींद थी। भाई साहब ये है यहाँ के नज़ारे, यहाँ हम ठहरे हुए हैं गेस्ट हाउस में। और हाँ, आज शाम को मेडिक ब्लॉग है और देखेंगे ब्लड प्रेशर कैसे है हमारे, और SpO2 मॉनिटर करेंगे, ऑक्सीजन लेवल सारी वही हालत हमारे ठीक ठाक है नहीं, कल ट्रैवल करने के लिए वो देखेंगे, उसके बाद हम ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो हम हो गए सब तैयार, अब नाश्ते करते हैं फिर उसके बाद हम निकलेंगे घूमने के लिए। यहाँ से ठीक से के आसपास जो मॉनेस्ट्री है और एक दो इलाके हैं वहाँ घूमेंगे अभी। हेल्थ सबकी बढ़िया है, टना टन है सबके सब, तो अभी नाश्ता कर लेते हैं फटाफट फिर निकलते हैं घूमने के लिए। थैंक यू। दोस्तों अभी पहुंच गए हम ठीक से मॉन्स्ट्री, और यहाँ पे गाड़ी लगाने के बाद यहाँ से आके पैदल जाना है ऊपर की तरफ। आवाज़ मेरी कैसी आ रही है मालूम नहीं क्योंकि माइक मेरी ख़राब हो चुकी है, और अभी विदाउट माइक सीधे फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, सीधे ब्लॉग चल रही है। तो देखिए आप बहुत शांत और सुंदर नजर है यहाँ पे। तो भैया टिकट काउंटर यहाँ पे थी पीछे पे, और यहाँ से टिकट ले लिया हमने और मॉनेस्ट्री आगे घूमने के लिए जा रहे हैं। और आगे पे लिखे थे नो फ्लाइंग ड्रोन, मतलब ड्रोन यहाँ नहीं उड़ा सकते। और पूछने पे पता चला कि ड्रोन उड़ा सकते हैं यहाँ पे, जब टिकट काट रहे थे तो पूछा, 1500 रुपये है ड्रोन उड़ा सकते हो उसके बाद आप, लेकिन जो भी करोगे पूछ के करोगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब आगे घूमते हैं मॉनेस्ट्री में। जैसे हर जगह मॉनेस्ट्री होती है देहरादून में या बाकी जगह पर जहाँ भी देखिए, दिखने में वैसे ही फील है, लेकिन जो ऊंचाई है पहाड़ों पे ना, तो वो दिखने में बड़ा सही लग रहा है यहाँ पे। और ठीक ऐसे ही मॉनेस्ट्री जब तिब्बत गए थे उस समय देखी थी, उसके बाद अभी दूसरी बार देख रहा हूँ मैं, काफ़ी सुंदर मॉनेस्ट्री है। Thank you.
इसी मॉनेस्ट्री में, जैसे आप लोग को पता है, ये आज मेरा दूसरा दिन है लेह में, और मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है वो ये है, एकदम बिल्कुल शांत जगह है, और जो मन को एक सुकून होता है ना कि भाग दौड़ से, अपने काम से बहुत दूर अभी हम कहीं बैठे हैं दिमाग को खाली करके, कुछ उस तरह की फीलिंग आ रही है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेम इस तरह की फीलिंग मुझे 2011 में, मैं बोलूँगा जब मैं गया था तिब्बत, कैलाश मानसरोवर जो होती है वहाँ के लिए गया था, भले मैं कैलाश उस समय जा नहीं पाया था, जब वहाँ तक मैं गया था तो वहाँ जो फीलिंग थी मेरी, और वहाँ की मोनेस्ट्री में जो खैर गोम्बा करके है, खैर और खजर दो गोम्बा है, वहाँ मैं गया था, तो वहाँ की मोनेस्ट्री पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। सेम वही वाली वाइब यहाँ पे आ रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुकून है। आप लोग देखिए यहाँ के माहौल और यहाँ के नज़ारे किस तरह के, और उसको इंजॉय कीजिए। जिनमें से एक पेंटिंग के विषय में हम आपको बताऊंगा। ये पेंटिंग देखा आपने पहले? नहीं देखा। तो एक इस पेंटिंग, तो अभी यहाँ पे पूरा घूम लिया है, और अभी यहाँ से हम निकलेंगे हेमिस मोनेस्ट्री के लिए, जो थोड़ा दूर है इसलिए फटाफट निकलेंगे, लेकिन जो यहाँ पे ज्ञान मिला ना वो मैं आप लोग को बताऊँगा थोड़ी देर बाद कि क्या क्या बताया गुरु जी ने यहाँ पे। जीवन चक्र के बारे में बताया पूरा का पूरा। जो अभी पेंटिंग्स थी, उस पेंटिंग्स में जो इंसान से लेके, मतलब इंसानी जीवन के बारे में हमने सुना है, लेकिन यहाँ पे गॉड्स और छह जो पार्ट है लाइफ के, उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा वो सब समझ कर, सुनकर अच्छा लगा, और उनको सुकून मिला। हमें मालूम भी नहीं चला यहाँ पे कि हम एक या डेढ़ घंटे करीब हम उनको सुनते हुए हमने काट लिया, और यहाँ पे पूरे का पूरा टाइम स्पेंड कर लिया। तो लाइफ ऑफ व्हील के बारे में उन्होंने बताया, वो आपको, अब मैं बैठ गया हूँ आराम से, तो आपको समझने की कोशिश करता हूँ। उसमें बीच में तीन जानवर दिखा रखे हैं। पहला है सांप, जो गुस्से को दिखाता है, और उसके ठीक पीछे पे होगा बक्षी, उसको बोलेंगे हम ईर्ष्या और लालच को दिखाता है। उसके नीचे सूअर है, सूअर दिखाते अज्ञानता को। ठीक है, और उसके ठीक ऊपर पे जितने भी है, सबसे राइट हैंड साइड में टॉप पे आपको दिखाई देगा, वो है स्वर्ग, देवता लोग है, गॉड्स है वो सारे के सारे। उसके ठीक नीचे पे राक्षस, असुर, और उसके बगल पे आपको
भूत प्रेत सबसे नीचे पे जो दिखा रखी है भूत प्रेत वाली योनि दिखा रखी है, मतलब जीवन दिखा रखी है। उसके बगल में आप लोग को दिखाई दिया है इंसानी जीवन, सॉरी जानवरले जीवन, और उसके ऊपर पे टॉप में दिखाया आपको लेफ्ट हैंड साइड में इंसानी जीवन। तो ये जो चक्र है ये चक्र चलता रहता है, कभी देवता बनता है तो कभी कोई इंसान तो कभी जानवर भूत प्रेत, तो इसी में इसी छह चक्र में जीवन घूमती रहती है, लाइफ ऑफ व्हील जो है घूमती रहती है। इस जीवन चक्र से कैसे निकलना है ये जो लाइफ ऑफ व्हील है उसके बारे में बताता है, और उसके जो बीच में जो जानवर है उस जानवर का इफेक्ट जो है सब योनि में पड़ता है। सब जब आप लेते हो जन्म इंसानी जीवन पे तो उस समय भी आपको उसका फ़र्क पड़ता है, चाहे वो ईर्ष्या और क्रोध की भावना क्यों ना हो, या लालच क्यों ना हो, या आपकी मूर्खता क्यों ना हो, इसका असर सब पे होता है, यहाँ तक कि भगवानों पे तक होता है, मतलब गॉड्स जो है उनको उन पे भी होता है। इस मतलब साइकिल में बताने की कोशिश की है, तीन चीज़ों का इफेक्ट जो है उसके चक्कर से इस चक्कर का चक्रव्यूह चलता रहता है और बंदा निकल नहीं पाता है कोई भी हो क्यों ना हो। तो ये कब निकलेगा बौद्ध धर्म में बताने की कोशिश की गई है। ठीक नीचे पे इसके एक श्लोक है गौतम बुद्ध जी का, वो इस चक्र से छुटकारा दिलाता है और आप लोग को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो ये है पूरा का पूरा जीवन चक्र के बारे में। ये आपको सब मॉनेस्ट्री पे दिखाई देगा, लेकिन गौर मैंने पहली बार किया गुरुजी के कहने पे, गुरुजी ने जब हमें अच्छे से समझाया तब जाके हमें समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं आगे वाली मॉनेस्ट्री पे, तो अभी चलिए चलते हैं हेमिस मॉनेस्ट्री की तरफ।